Assalamualaikum, मेरे वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर के साथ मैं हूँ सैयदा अरमला हसन। जनाब मंडे है, मंडे ब्लूज होंगे हमेशा की तरह, दिल नहीं कर रहा होगा उठने का। और कभी कभी आप ये भी सोचते हैं कि क्यों जाना है सुबह सुबह उठकर। आज मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था, क्योंकि सैटरडे भी आपको थोड़ा वो लेजी होता है आपका, आपको संडे का कुछ छुट्टी मिल जाती है तो उसके बाद फिर आपका मंडे को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता सुबह सुबह उठे। लेकिन और जो कि सर्दियों में तो बिल्कुल ही दिल नहीं कर रहा होता, गर्मियों में तो फिर लोड शेडिंग और इस तरह के बेतहाशा जो पाकिस्तानी मसले हैं वो हमें जगा के बिठा देते हैं। लेकिन एट द एंड हमें सर्दियों में ज़रा थोड़ी सुस्ती होती है, और जब सर्दी भी सही पड़ रही है बिल्कुल आपके साथ, कहते हैं ना इंसाफ कर रही है सर्दी। लेकिन उसके साथ साथ जनाब सर्दी तो है ही, मौसम भी बेहतर है, कुछ वीकेंड्स में आपने एंजॉय भी किया होगा, क्योंकि डेफिनेटली वीकेंड्स पे फैमिली के साथ टाइम गुजारना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और मेरा तो सिर्फ संडे ऑफ होता है, लेकिन मेरे घर में ज़्यादातर लोगों के सैटरडेज भी ऑफ है, तो उनका तो डबल मतलब होता है ना, लॉन्ग वीकेंड है, और मुझे संडे को सिर्फ टाइम गुजारने का मौका मिलता है। लेकिन उसमें भी आप अपनी नींद पूरी करते हैं, और नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, आप मुझसे जितनी बातें नींद में कराना चाहे करा सकते हैं, क्योंकि मैं खुद मेरी एक हॉबी कहते हैं इसको, सो जाना, जब भी आपको फारिग टाइम मिला आप सो जाए, मतलब ये मेरा काम है ज़िंदगी का। अच्छा जनाब इसके साथ साथ, लेकिन ये कोई अच्छी हॉबी नहीं है कि हर वक्त आप सोते रहें, अच्छी हॉबी क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी बुक रीडिंग। और बुक रीडिंग के हवाले से जनाब जो कहले मुतालिया के शौकीन अफराद हैं उनके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, दुबई के साहिल पर एक लाइब्रेरी कायम की गई है, जहाँ पर नहायत जो आप सुकून के साथ मुतालिया कर सकते हैं। और जब भी तफरी के लिए जाते हैं डेफिनेटली मुतालिया के शौकीन अफराद, तो उनकी कोशिश होती है कि बुक रीडिंग की जो हैबिट है या बुक उनके साथ में हो। और ऐसे अफराद के लिए साहिल किनारे जो है ठंडी हवा में लेटकर किताब पढ़ना भी मुमकिन हो गया, और ये हुआ है जनाब दुबई में। एक कुतुबखाना यानी कि किताब लाइब्रेरी जिसके हवाले से हम कहते हैं वो कायम कर दी गई है, जो अपनी नौयत की एक मुनफरद लाइब्रेरी है। और इस लाइब्रेरी का मकसद सिर्फ मुताले के शौकीन अफराद के लिए न सिर्फ तफरी का सामान फराहम करना है, बल्कि साहिल पर आने वाले जो दीगर अफराद हैं उनको भी बुक रीडिंग की तरफ रागब करना है। और डेफिनेटली बुक रीडिंग होगी, आपस में डिस्कशंस होंगी, तो जो कह रहे नॉलेज उसका भी ट्रांसफ़र होगा। और ये लाइब्रेरी जो है दुबई के पुरकशिश साहिल को सयाहों के लिए मज़ीद पुरकशिश बनाने का सबब भी है। तो जनाब यहाँ पर हर तरह की बुक्स भी रखी गई हैं, चाहे वो अरबिक हैं, इंग्लिश हैं, और ताकि जो फॉरनर्स हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो भी यहाँ की जो दुबई की जो कह लें मुत्तहदा अरब अमारात की जो कह लें कल्चर है, उनकी जो सकाफत है, उसके बारे में जान सके। तो लिहाजा हर तरह के अफराद के जो कह लें पेश नज़र उन्होंने यहाँ पर बुक्स रखी हुई हैं। और मकामी हुकूमत की जानिब से कायम की जाने वाली ये लाइब्रेरी जो है माहौल दोस्त भी है। इसमें छोटे छोटे सोलर पैनल्स भी लगाए गए हैं, जो दिन भर सूरज की रोशनी से बिजली पैदा करते हैं, और रात में बिजली से यहाँ लगी रोशनियाँ भी जल उठती हैं। तो जो लोग दुबई के साहिल पर जाते हैं, यानी कि वहाँ पर तो डेफिनेटली दुनिया बहुत ट्रेवल करती है, और जिसने वेकेशन पर जाना हो सबसे पहले माइंड में आता है कि दुबई चलते हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी या कह रहे फॉरनर्स वहाँ पर काम भी करते हैं, तो जो लोग बुक रीडिंग के शौकीन हैं, और ये बात डेफिनेटली पहले भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि आजकल के दौर में हमें जहाँ ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, बुक रीडिंग की हैबिट जहाँ बहुत सारे लोगों में अभी भी है, वहाँ कहीं कहीं लैग भी करती है। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी ने थोड़ा सा हमारे लिए इस तरह से टफ कर दिया कि बहुत सारे लोग बुक और लाइब्रेरीज, स्पेशली लाइब्रेरीज बहुत कम है हमारे यहाँ पे, तो इस वजह से भी बुक रीडिंग का रुझान जो है वो खासा कम है। और मुझे लगता है कि ऑनलाइन आप डेफिनेटली बुक पढ़ सकते हैं, आपको आपकी एक्सेस पे है, आप बैठे हैं अपने फ़ोन पे, टैब पे, लैपटॉप पे आप बुक पढ़ सकते हैं। लेकिन एट द एंड जो मुझे लगता है किताब की जो एक फिज़िकल प्रेजेंस है ना, उससे जो आप एक रीडिंग की आपकी हैबिट और एक कह लें आपको सही उसकी फील आती है जो भी आप किताब पढ़ें, वो किसी और तरह से नहीं आ सकती। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसमें बहुत सारे ओपिनियंस वेरी कर सकते हैं। अच्छा जनाब, तो ये लाइब्रेरी जो साहिल समंदर पे बनाई गई है डेफिनेटली टूरिस्ट के लिए, और जो लोग दुबई जाने वाले हैं या प्लान करें वो ज़रूर यहाँ पे विजिट करें, हमें भी बताएं कैसी है लाइब्रेरी। अच्छा जनाब, कॉफ़ी और जो सुबह सुबह मेरे हाथ में आप देखते हैं, इस कॉफ़ी के हवाले से हमें एक रिसर्च बताएंगे जनाब, मुझे कॉफ़ी अच्छी मिलती है, मुझे फिर बताना, मैंने सोचा कि मैं फिर बताऊँ। अच्छा जनाब, कॉफ़ी से तैयार करदा कप्स की मकबूलियत है, और दुनिया भर में कॉफ़ी जो कहा जाता है एक पसंदीदा मशरूब है। और जहाँ पे आप वेस्टर्न ममालिक की बात करें, क्योंकि वहाँ सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो लोग कॉफ़ी के शौकीन भी बहुत ज़्यादा हैं, तो उनके लिए जनाब
खुशखबरी ये है कि आप कॉफी ही से तैयार करदा कप्स में वो कॉफी पी सकेंगे। ये जरा आप दुनिया की बात कीजिए तो जर्मन डिजाइनर है, उन्होंने इस बात को सोचते हुए कि अगर कॉफी की जो हम कचरा सा कहते हैं या उसकी वो जो एक्सट्रैक्ट बच जाता है उससे उन्होंने जनाब ये कचरा कहाँ जाता है कहाँ नहीं, उनके दिमाग में आइडिया आया और उन्होंने सोचा कि इसी से कॉफी मग्स बनाया जाए। और उन्होंने एक कंपनी के साथ कलेबोरेट करके कॉफी के कचरे से कप और पेस्ट तैयार की है। और ये कंपनी के तैयार करदा कॉफी के मुनफरद कप यूरोपीय आवाम में बेहद मकबूल भी हो रहे हैं। और स्पेशलिटी इसकी ये है कि इसमें कॉफी काफी देर तक गर्म भी रह सकती है। तो जनाब ये इंटरेस्टिंग चीज है। वैसे तो रिसाइकल चीजों के साथ आप बहुत सारी चीजों को रिसाइकल करके बहुत सारी चीजें बनती है दुनिया भर में, और यहाँ पे इवन वो एनर्जी और इस तरह की चीजें भी यूटिलाइज कर रहे होते हैं। और तो ये कॉफी जो आप देखते हैं पीना चाहते हैं हर वक्त, अब चूंकि हम भी सर्दियों में ही पी सकते हैं कॉफी, लेकिन वहाँ पे वेस्टर्न वर्ल्ड में हर वक्त थोड़ा मौसम इस तरह का ही रहता है, गर्मी बहुत कम दिनों के लिए आती है, तो सर्दी की कैफियत में कॉफी और ये इस तरह से इंटरेस्टिंग अंदाज में, और गर्म और कॉफी के अंदर ही कॉफी आप पी रहे हैं तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। अच्छा जनाब, इसके साथ साथ हम आपको बताते चलें कि बर्तानिया के एक शख्स ने अपनी बेटी की मोहब्बत में घर के लॉन में एक ट्री हाउस बना डाला है जनाब, और इस घर को एक मुकाबले में बेहतरीन घर का अवार्ड भी मिला है। 47 साल ये शख्स है जनाब, जिन्होंने अपनी 13 साल बेटी से ट्री हाउस बनवाने की, जिनकी बेटी ने उनसे ट्री हाउस बनाने की फरमाइश की थी, जिसमें वालिद ने अनोखे शेयर हाउस की तामीर की है। और इब्तदा में उन्होंने अपनी बेटी को काफी समझाने की कोशिश भी की कि ये सारा कुछ इतना आसान नहीं होता, मगर जब बेटी ने अपनी जेब खर्च से पैसे बचाते हुए £500 उन्होंने दिए तो फिर उन्होंने अपनी बेटी के शौक को जनाब देखते हुए उनकी ख्वाहिश के आगे हथियार डाल दिए, और उन्होंने घर के लॉन में मशरूम ट्री हाउस बनाया है जिसकी तामीर में लगभग £1,000 जनाब खर्च हुए हैं। और इन शाहकार ने मुकाबले में शरीक 3,000 दीगर ट्री हाउसेस को शिकस्त देकर बेहतरीन ट्री हाउस का एजाज भी अपने नाम किया है। मुकाबला जीतने पर £1,000 की नामी रकम उन्हें मिली, एक बड़ा ताज और सर्टिफिकेट भी मिला है, और जनाब ताज उन्होंने अपने ट्री हाउस की छत पर नस्ब कर दिया है। और वैसे वालिद डेफिनेटली उनके आगे तो आप कोई भी फरमाइश करें वो मिनटों में पूरी हो जाती है, और जैसे तैसे करके वालिद की सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि वो आपकी ख्वाहिश किसी न किसी तरह पूरी कर देते हैं। और ये वाले जो वालिद साहब हैं, इन्होंने भी अपनी बेटी की ख्वाहिश के पेशे में, वैसे ट्री हाउस में रहने का मुझे इतना शौक है हमेशा से, जब भी मैं स्टोरी बुक्स पढ़ती थी मुझे ये ट्री हाउस बहुत, और जो पिंजल वाली कहानी थी उसमें जो कैसल था वो मुझे बड़ा इंटरेस्ट था, तो ट्री हाउस डेफिनेटली बड़े अच्छे होते हैं। मैंने अमेरिका में एक ट्री हाउस देखा भी था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैं दिल करता था वहीं पे बंदा रह जाए। ये जनाब वुडन का है, हर चीज़ वुडन की होती है, आप रह सकते हैं। और जब आपका घर वालों से लड़ाई हो जाए तो सबसे बेहतरीन बात है कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, आप इस ट्री हाउस में जाकर रह सकते हैं। तो ये जनाब बड़ा प्यारा सा ट्री हाउस है जिसको बनाया गया है और इसने अवार्ड भी जीता है, तो ट्री हाउस हम भी आई विश बना सकते हैं और यहाँ पे रह सकते हैं, कोई बात नहीं बना लेंगे। खैर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।